सुल्तानपुर में एक और हत्या, दिन दहाड़े सिपाही को उतारा मौत के घाट, दोस्त ने किया सिपाही का कत्ल। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं मेट्रो अलमीरा, मजबूत, खूबसूरत और भरोसेमंद अलमीरा। यूपी का सुल्तानपुर जिला आपराधिक वारदातों से ठर्रा उठा है। रोजाना हत्या, लूट जैसी संगीन वारदातों से पुलिस का इकबाल खतरे में है। 24 अगस्त को तो हद हो, मन भर बदमाश ने सिपाही को ही मौत के घाट उतार दिया, वो भी दिन दहाड़े। सुल्तानपुर जिले के दोस्तपुर थाना इलाके के अल्लदाद इलाके में सुनील यादव नाम के शख्स की गोली मारकर हत्या की गई है। सुनील यादव बाराबंकी जिले में आबकारी विभाग में सिपाही था और छुट्टी पर घर आया था। सिपाही का दिन दहाड़े खून उसके ही दोस्त ने उस वक्त किया जब वो खेत से जानवरों का चारा काट कर आ रहा था। आपको बता दें कि आज थाना दोस्तपुर में अहलादपुर गांव पड़ता है, हम 24 का प्रोग्राम है। सुनील कुमार अपने खेत से चारा काट कर आ रहा था तो गांव के ही लवकुश मिश्रा के द्वारा उसे गोली मार दी गई, जिसे हॉस्पिटल ले जाया गया जहाँ डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया है। गांव में पूछताछ करी गई तो गांव वालों ने बताया कि वो दोनों दोस्त भी थे, उनका अच्छा उठना बैठना भी था। कोई विवाद अभी तक संज्ञान में नहीं आया, गांव वालों ने भी स्पष्ट किसी विवाद से इनकार किया है। शेष जो विधिक प्रक्रिया उसको पुलिस सम्पन्न करवा रही है और अपराधी को पकड़ने के लिए टीम रवाना होगी। मृतक सुनील यादव के भाई का कहना है कि पड़ोस का लवकुश मिश्रा आए दिन असलहा लहरा कर उनके भाई को धमकाता था। हमारे भाई है सुनील यादव। क्या हुआ? हमारे भाई चरी काटने गए थे, वही लवकुश मिश्रा ने गोली मारा। क्या पुरानी कोई रंजिश या कोई? नहीं सर। क्या करते थे? हमारे भाई आबकारी सिपाही थे, बाराबंकी रहते थे। फिलहाल आबकारी सिपाही की हत्या की जानकारी पर सुल्तानपुर एसपी शिव हरि मीणा मौके वारदात पर पहुंच गए। तमाम प्रयास के बाद भी यह नहीं पता चल पाया कि आखिर हत्या की वजह क्या है। वही हत्या आरोपी लवकुश मिश्रा भी वारदात को अंजाम देकर फरार है। एनडीटीवी भारत के लिए दोस्तपुर सुल्तानपुर से राम रतन सोनी की रिपोर्ट। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल एनडीटीवी भारत।